नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमांडो 4 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों बिना देखा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कमांडो फ्रेंचाइजी को जब हमारे इंडिया में लॉकडाउन हुआ था तब OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत ही देखा गया था और ये बहुत ही चर्चित फ्रेंचाइजी है। कमांडो फ्रेंचाइजी के अब तक हमें 3 पार्ट देखने को मिल चुके हैं और ये तीनों के तीनों पार्ट को अलग अलग डायरेक्टर द्वारा डायरेक्ट किया गया है। इसका पहला पार्ट जो था कमांडो वन मैन आर्मी, इस मूवी को डायरेक्ट किया था दिलीप घोष ने, प्रोड्यूस किया था विपुल शाह ने और ये मूवी एक्शन और थ्रिलर से भरपूर थी। स्टार कास्ट की बात की जाए तो विद्युत जामवाल, पूजा चोपड़ा, जयदीप अहलावत देखने को मिले थे। वही बजट की बात की जाए तो 20 करोड़ के बजट पर बनाया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ से ऊपर की कमाई करके ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी की सक्सेस के बाद मेकर्स देवेन भोजानी ने उनका दूसरा पार्ट रिलीज किया कमांडो 2 द ब्लैक मनी ट्रेल और इस मूवी को प्रोड्यूस किया विपुल शाह ने। स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें विद्युत जामवाल, अदा शर्मा, ईशा गुप्ता, फ्रेडी दारूवाला देखने को मिले थे और इस मूवी को 3 मार्च 2070 को रिलीज किया गया था और इस मूवी को 25 करोड़ के बजट पर बनाया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ऊपर की कमाई करके ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी के सक्सेस के बाद इनका तीसरा पार्ट आदित्य दत्त ने बनाया, यानी कि इस मूवी को डायरेक्शन दिया आदित्य दत्त ने और प्रोड्यूस किया विपुल शाह ने और इस मूवी को रिलीज किया 29 नवंबर 2019 को। स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें विद्युत जामवाल, अदा शर्मा और अंगिरा धर देखने को मिले। वहीं विलन का रोल करते हुए गुलशन देवैया नजर आए और इस मूवी को 80 करोड़ के बजट पर बनाया और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ से ऊपर की कमाई करके ब्लॉकबस्टर रही। अब बारी है कमांडो फ्रेंचाइजी के चौथे पार्ट की जो बड़ी हटके रहने वाली है और इस मूवी को डायरेक्शन देने वाले देवेन भोजानी, जिन्होंने दूसरे पार्ट को भी डायरेक्शन दिया था और इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे विपुल अमृतलाल शाह और ये मूवी एक्शन और थ्रिलर से भरपूर रहेगी। स्टार कास्ट की बात की जाए तो फिर से हमें विद्युत जामवाल, अदा शर्मा और अंगिरा धर देखने को मिलेंगे और विलन का रोल करते हुए विकी कौशल नजर आने वाले हैं और इस बार कमांडो फ्रेंचाइजी के चौथे पार्ट को 110 करोड़ के बजट पर बनाया जाएगा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ऊपर की कमाई कर सकती है ऐसा अंदाजा लगाया गया है। तो दोस्तों आप भी कमांडो 4 मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें।